बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो भी दिखाई है कि हमने एक बहुत ही छोटी सी जगह के अंदर, जो कि वैसे ही छोड़ी गई थी क्यारियों के लिए, और उसके अंदर दो दरख्त लगे हुए थे आम का और शहतूत का, तो हमने वो नीचे वाली जगह को यूटिलाइज किया, उसके मजीद छः पोर्शन किए, और छः पोर्शन करने के बाद जगह को नरम किया, पानी वगैरह दिया, गोली वगैरह की, और उसके बाद बीज डाल दिया। बीज हमने जो डाले तो ये आपके सामने है कि ये पालक बिल्कुल तैयार है, कितना बड़ा बड़ा इसका पत्ता है, और ये पालक है, और ये बिल्कुल उसके साथ मूलियाँ लगी हुई हैं, वो जो पीछे उसके लगा हुआ है वो बैंगन है, बैंगन भी है, वो भी है अपना मुंगरे ऐसा, उसके साथ टमाटर है, वो पीछे धनिया, और वहाँ पे हमने बैंगन लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर खुद ही सब्जियां लगा सकते हैं, बड़े गमलों में भी लग सकती हैं। अगली दफा हम वीडियो आपको दिखाएंगे जिसके अंदर हमने गमलों के अंदर भी सब्जियां लगाई हुई है, वो भी आपको बताएंगे। ये देखें जी, ये लगाया गया धनिया, और ये धनिया के साथ लगी हुई है पालक, और ये पालक अब काफी बड़ी भी हो गई है, अब इसे काटा भी जाएगा। ये अब पालक जो है ना ये काटी जा रही है, ये शाम में जो पकौड़े बनेंगे उन पकौड़ों में इस पालक का इस्तेमाल भी किया जाएगा। घर की पालक है बिल्कुल साफ़ पानी और साफ़ इसकी सफाई सुथराई और बाकी चीज़ें जो है ना वो इसमें यूज़ करी हैं, और इसको रमजान शरीफ में इस्तेमाल भी किया जाएगा पकौड़ों के और उनके लिए। ये हैं जी टमाटर, ये टमाटर लगे हुए हैं, टमाटर की वो जो होती हैं डंडियाँ सी वो निकलनी शुरू हो गई हैं उसकी, और ये इसके आगे ये धनिया, ये धनिया भी काफ़ी बड़ा हो गया है और ये लग रहा है, और ये उसके साथ लगी हुई है मूली, ये मूलियाँ जी अब तैयार हो रही हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मूलियाँ भी इसमें से निकालनी और शुरू हो जाएंगे, और ये फिर उसके आगे मूंगरे लगे हुए हैं ये आपके सामने। ये घर के अंदर थोड़ी सी जगह थी कि जिसे गार्डनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हो रहा है, और उस वक्त ये पालक, धनिया, मूली, मूंगरे, टमाटर और बैंगन ये चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। ये ऊपर उसके शहतूत का दरख्त लगा हुआ था, और उसके साथ ये आम का दरख्त है, आम के दरख्त पे भी बूर आना शुरू हो गया है, और सेम इसी तरीके से जो शहतूत है शहतूत के ऊपर भी उसके नए पत्ते और ये निकलने शुरू हो गए हैं। ये आपके सामने है, ये आम का दरख्त, और आम के दरख्त पे माशाल्लाह बूर देखें कितना ज़्यादा लगा हुआ है, ये देखें। तो इन्हीं दो दरख्तों के नीचे ही हमने शहतूत और अपना आम के साथ साथ ये सिलसिला सब्जियों वाला बनाया गया है। तो उम्मीद है कि हमारे साथ आप भी आइंदा कोशिश करेंगे कि घर के अंदर कोई थोड़ी सी भी अगर जगह है तो वहाँ पे इन सब्जियों को ज़रूर लगाना चाहिए और ज़रूर इनसे मुस्तफीद होना चाहिए। साफ़ पानी, अच्छे पानी और साफ़ सुथरे पानी के अंदर ये इस तरह आप लगा सकते हैं और कर सकते हैं। अभी आधे मरले से भी कम जगह है जिसके अंदर हमने देखें पालक लगाई है, उसके साथ मूलियाँ लगी हुई हैं, बैंगन लगे हुए हैं, ये टमाटर हैं, और उसके आगे धनिया लगा हुआ है। अब ये दो बॉक्स हमने तैयार किए हैं, इनके अंदर भी हमारा प्रोग्राम है कि हम इंशाल्लाह पुदीना लगाएंगे, और वो बिल्कुल एंड में हमने बैंगन लगाए हैं अभी थोड़े दिन पहले, तो वो भी इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद जैसे बैंगन भी तैयार होंगे तो हम आपको ज़रूर बैंगन से मुतलिक भी बताएंगे। और इसी तरीके से सबसे अच्छी बात यह है कि अपने हाथों से तैयार की गई सब्जियाँ, साफ पानी, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं, स्प्रे नहीं और कोई चीज़ नहीं, तो ऑर्गेनिक सब्जियों का जो कंसेप्ट है इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। आपके छत के अंदर, बरामदे, हर वो जगह जहाँ पे धूप आती है, रोशनी भी है, हवा भी है, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके मुलाकात।